पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने की वजह से तमिलनाडु में पिछले एक हफ्ते से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राजधानी चेन्नई समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगे कहा कि एंटी साइक्लोन की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है। बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि श्रीलंका के तट पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र यानी एलपीए बना हुआ है और यह अगले 24 घंटे में चेन्नई के तटों की ओर मूव करेगा, जिससे भारी बारिश हो सकती है। वहीं भारी बारिश के खतरे को देखते हुए TNGGTE एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। अब ये एग्जाम 19 और 20 नवंबर को होने के आसार है। इधर सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में राजधानी चेन्नई में 200 से 300 ml बारिश की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में यह बढ़कर 400 ml तक पहुंच सकती है। बारिश के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 23 जिलों में स्पेशल इंतजाम शुरू कर दिए हैं। सभी कलेक्टरों को फील्ड में ही रहने के लिए कहा गया है।